नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फरीदाबाद में किसानों ने तीनों कृषि कानून वापस लेने के प्रधानमंत्री के निर्णय को मिठाई बांट करके खुशी मनाई और उनका स्वागत किया। किसानों ने कहा कि प्रधानमंत्री का निर्णय स्वागत योग्य है। जब से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई है, किसान आंदोलन के लिए बैठे हैं, प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी नहीं बोला, लेकिन आज उन्होंने सीधे तौर पर तीनों कृषि कानून वापस लेने की बात बोली है। इसका हम स्वागत करते हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने और उनके नेताओं से हमारी बात हुई है। अभी किसान मोर्चा का धरना बॉर्डर से नहीं हटेगा, क्योंकि ये तीनों कृषि कानून संसद में पारित हुए थे और संसद के सेशन में ही जब से तीनों कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया जाता और प्रक्रिया को पूरा नहीं किया जाता, तब तक किसान नहीं हटेंगे। इसके साथ साथ किसान मोर्चा के तीनों कृषि कानूनों के साथ MSP की गारंटी कानून लागू करने की मांग भी थी। हमारी ये मांग अभी भी जारी है। संसद में तीनों कृषि कानून रद्द होने के साथ साथ MSP की गारंटी का कानून बने। किसान आंदोलन के सहयोग करने वाले सभी लोगों का हम किसान धन्यवाद करते हैं और उन्हें बधाई देते हैं। पल पल फरीदाबाद से राजेश भांबू की खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो आज घोषणा की गई है कि काले तीनों काले कानून को इस मामले में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी के अवतार पर्व की सभी लोगों को बधाई देता हूं और गुरु साहब का कोट कोट शुकराना करता हूं कि उनकी कृपा से एक लंबे समय से जो किसान लड़ाई लड़ रहा था उसमें किसानों की जो है जीत हुई है। आज प्रधानमंत्री ने जो आज तक इस इन कानूनों के बारे में कोई भी बात नहीं बोले थे, आज प्रधानमंत्री ने तीनों कानूनों को वापस लेने की बात कही है। किसान मोर्चा उनके इस बयान का स्वागत करता है। साथ ही साथ क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की दो ही मांगे थी, सिर्फ एक कानूनों को वापस लेना तीनों को और दूसरा MSP की गारंटी। MSP की गारंटी के ऊपर अभी प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोले हैं और दूसरा ये कानून जो है पार्लियामेंट के सेशन में पास हुए थे और पार्लियामेंट के सेशन में ही ये विड्रा किए जाएंगे। किसान मोर्चा जो मेरी ऊपर के नेताओं से बात हुई है कि जब तक विधिवत रूप में पार्लियामेंट में ये कानून वापस का जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण नहीं हो जाती और साथ के साथ MSP की गारंटी की बात जो वो भी पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसान मोर्चा दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर जैसे है वैसे ही रहेगा। अभी जो है मोर्चा वापस नहीं लिया जाएगा, उसके बाद संयुक्त मोर्चा फैसला करेगा कि क्या करना है। मैं आपके माध्यम से जितने भी किसान मजदूर दुकानदार व्यापारी नौजवान छात्र जिन जिन लोगों ने इस आंदोलन में अपनी हिस्सेदारी की उन सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा और उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। साथ ही साथ पूरी प्रेस को, गोदी मीडिया को छोड़कर पूरी प्रेस को भी मैं किसान मोर्चा की माध्यम से जो है मुबारकबाद देना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि प्रेस के कारण ही ये जो हमारी मूवमेंट है वो आगे बढ़ सकी।